यार तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, उसने मेरे पे नजर रखी हुई है, मेरे घर में पता नहीं कैमरे लगाए हुए हैं, मेरी अम्मी पे नजर रखी है, मेरे छोटे भाई का वहाँ पे किस टाइम क्या पढ़ रहा है उसने सबको नजर रखी हुई है, और मेरा वो जो बंदा उसने वहाँ पे बांधा होगा, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता वो उसको मारता है, मैं क्या करूँगा? मैं अगर पुलिस के पास जाता तो उन सबकी जान खतरे में आ जाती, उसने मुझे वार्निंग दी हुई थी कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो उस लड़के को मार देगा, उसका कान काट के भेज देगा, कभी कुछ कह रहा है, कभी हाथ काटने का कह रहा है, कभी उसको मारता है, टॉर्चर कर रहा है, मैं इसलिए तो तेरी मदद के मांगने के लिए आया। अच्छा तो तू अब इधर आया मेरे पास, उसको ये भी पता? मुझे लगता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता लेकिन मुझे लगता है उसको पता होगा, मैं जो भी करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ उसको सब पता होता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है यार, मेरी मदद कर प्लीज, मेरी मदद कर यार प्लीज। मैं मदद करूंगा, टेंशन ना ले। और 3 दिन गुजर गए, मतलब इसका है कि 4 दिन बाकी हैं, और वो हर दिन के हिसाब से टास्क को खतरनाक करता जा रहा है, और जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आखिरी दिन, आखिरी टास्क में वो तुझे कहेगा या खुद को मार दे या किसी और को मार दे, लिहाजा हमें आज ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। असगर असगर असगर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में मेरी बहन को एक लड़का जोना छेड़ता था। एक दिन मेरी बहन रोते रोते मेरे पास आई और उसने मुझे बताया, तो मैं उस लड़के के पास गया और उसे कहा कि मेरी बहन से दूर रहे, वरना मैं उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। लेकिन उसे मेरी बात मजाक लगी, क्योंकि तब मैं 9 साल का था और वो लड़का 19 या 20 साल का, और वो हंसकर मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया, और अगले ही दिन उसने फिर मेरी बहन को छेड़ा। और कुछ ही दिनों के बाद हमारे गांव के एक नहर के किनारे पुलिस वालों को एक लाश मिली जिसका सर उसके जिस्म से अलग था। कोई नहीं जानता था कि वो लाश किसकी है, सिर्फ उसे ही पता था जिसने उसे मारा और उसके सर को कीमे वाली मशीन में डाल दिया था। तो इस कहानी से तुम्हें क्या सबक मिलता है असगर? कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज सजा तो मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर हसन से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ समझ आया हो। क्यों इंस्पेक्टर हसन, कैसे हैं? देखो तुम जो भी हो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। नहीं इंस्पेक्टर, आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी बीवी जो इस वक्त खिजराबाद में दीदार ब्यूटी पार्लर से अपने बाल डाई करवा रही है, मैं उसके बालों के साथ साथ उसकी गर्दन भी काटूंगा। देखो तुम मेरी बीवी को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम्हें पता है क्या करना है, यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस बारे में सोचना नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं यार, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी, I'm sorry। तुमने गलती कर दी, गलती। अब तुम्हें पता है क्या? हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, तुम
तुमने अपने फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये लड़का सिर्फ तुम्हारी वजह से मर गया। नहीं, उसे छोड़ दो प्लीज, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करना प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से होगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने गेम का रोल तोड़ा, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो ठीक है, सजा मुझे दो ना, मैंने गलती की है ना, मुझे सजा दो, मैंने रूल तोड़ा, उसको छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, उसको कुछ मत करना, छोड़ दो उसे प्लीज। ठीक है, सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उससे पहले अपना अगला टास्क पूरा करो। अब कोई टास्क नहीं, मैं मदद करूंगा, टेंशन ना ले। और 3 दिन गुजर गए, मतलब इसका है कि 4 दिन बाकी हैं, और वो हर दिन के हिसाब से टास्क को ख़तरनाक करता जा रहा है। और जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आखिरी दिन, आखिरी टास्क में वो तुझे कहेगा या खुद को मार दे या किसी और को मार दे, लिहाजा हमें आज ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, मुझे ऐसा करना होगा कि मैं तेरे घर रुकूंगा पहले। ठीक है, उसके बाद तुझे जब भी उसका फोन आएगा तूने फोन लाउडस्पीकर पे डाल दे और मैं साइड पे खड़ा रहूंगा। अगर तो तेरे घर में कैमरे लगे हो, अगर वो हमें देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि मैं कौन हूँ, इस तरह उसको लगेगा कि वो जीत रहा है, लेकिन हमें भी पता चल जाएगा कि यार हम जीत रहे हैं, हमें पता होगा कि उस टाइम उसको पता सारा कुछ, लेकिन जीत हम मान ली होगी। उसी वाले तूने मुझे कहा वो हैकर है, तो वो फिर हमारे जरिए हमारी फैमिली का डाटा भी निकालेगा, मेरी फैमिली में सिर्फ बीवी है, लिहाजा जो बंदा उसका मेरी बीवी को चेस करेगा तो मैं उस बंदे को चेस करने के लिए पुलिस वाला रखूंगा, फिर उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि वो बंदा किधर रहता है। ठीक है, उसकी लोकेशन का, उसके ठिकाने का, वो किधर रहता है, किधर जाता है, क्या करता है, कब किधर जाता है, हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। और फिर वो जब कैमरे में देखेगा कि मैं तेरे पास खड़ा हूँ तो वो मुझे फ़ोन में से धमकाएगा और मुझे डराएगा। ठीक है, तो मैं डर के चला जाऊंगा और मैं तुझे कहूंगा कि भाई मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो पुलिस वाला मुझे पल पल की खबर दे रहा होगा कि वो बंदा किधर जा रहा है, और थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा कि वो आदमी किधर है, और जब मैं वहां से निकलूंगा तो कुछ देर बाद पुलिस वालों के साथ हम रेड करेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन यार जैसे उसको पता चलेगा कि तू मेरे घर पे है और तुझे मैंने सब कुछ बता दिया है, तो तेरी बीवी पे नजर रखने से पहले अगर उसने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं अभी 4-5 पुलिस वाला को इंतजाम करता हूँ जो तेरे घर के बाहर सिक्योरिटी देंगे 24 घंटे। ना टेंशन ही लेने, ना कुछ नहीं होने दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं यार, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी, आई एम सॉरी। अपना अगला टास्क पूरा करो। अब कोई टास्क नहीं, नसीब खुदा की।
थाउजेंड ठीक हूँ। हमने सोचा ही नहीं था कि जो लड़का टॉर्चर हो रहा है वो भी उनके साथ ही मिला होगा। उसकी खातिर मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। तू सुना कैसा? आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगा। अच्छा हुआ मैंने बैकअप मंगवा लिया है, वरना वो तो मुझे मार ही देता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा वो तुझे मार ही देंगे। पता लगा कौन है वो लोग? पकड़े गए हैं वो लोग? नहीं, अभी उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसे तो ऐसे ही लगता है जैसे वो किसी भी दिमागी बीमारी का शिकार है। पता नहीं और कितने लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया होगा। पता नहीं किसी को मारा भी हो। हमने मीडिया में न्यूज़ चला दी हुई है, उन्होंने किसी के साथ भी कुछ किया होगा तो वो आके बता देगा पुलिस वालों को कि यार उन्होंने ये सब कुछ किया। यार अगर कोई ना आया फिर? टेंशन ना ले, अगर वो ना भी आया कोई तो उन्होंने तेरे साथ जो कुछ किया और मुझे मारने की धमकी दिया तो उन्हें कम से कम 30 साल की तो जेल होगी और उसके बाद उन्हें पालखाने भेज दिया जाएगा। शुक्रिया यार, तूने इतनी मेरी मदद की। तू ना होता तो पता नहीं क्या होता।